जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हम फाइल हैंडलिंग में बात करेंगे किस तरीके से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम एक टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं। तो एक फाइल बनाएंगे हम डॉट टेक्स्ट फाइल, उसमें हम या तो यूजर से एक लाइन ले लेंगे, सेंटेंस ले लेंगे, या हम एक सेंटेंस जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, और उसमें एक एक कैरेक्टर उठा उठा के हम लिखेंगे इस फाइल में। देखिए किस तरीके से होगा ये। तो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और नए प्रोजेक्ट में हमें जाना पड़ेगा जावा एप्लीकेशन में, नेटबीन्स में। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ आप नाम दे सकते हैं जैसे कि राइटिंग फाइल, इस तरीके का नाम। तो यहां पर आइए, राइटिंग फाइल का नाम दीजिए, और उसके बाद आपको करना क्या है कि कुछ चीजें हैं इस प्रोग्राम में, एक क्रिएट मेन क्लास करना है, और कुछ चीजें हैं जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। पहले वो इंपोर्ट करेंगे, एक एक करके इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये राइटिंग का है इसलिए हम प्रिंट राइटर इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। देखिएगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट राइटर, ध्यान दीजिएगा, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट प्रिंट राइटर। फिर फाइल राइटिंग के लिए, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, क्योंकि देखिए हर चीज फाइल मानी जाती है, कीबोर्ड और आपका जो डिस्प्ले डिवाइस है ये भी एक फाइल है, तो उसके लिए भी हम इंक्लूड करते हैं जावा डॉट आईओ डॉट फाइल राइटर। और उसके बाद हम आते हैं अपने आईओ एक्सेप्शन पे। आईओ एक्सेप्शन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है, उसका कारण ये होता है देने का कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन यानी कि जब आप फाइल हैंडलिंग करते हैं बहुत सारे एरर आ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करी है, फाइल करप्ट है, जो ड्राइव है वहां पर आप रीड ओनली एक्सेस है, वो सब चीजें आ सकती हैं। तो उनको देखते हुए जावा ने तय किया कि जब भी फाइल हैंडलिंग करें आप, तो ट्राई कैच के अंदर लिखें, या फिर यहां पर आप थ्रोज आईओ एक्सेप्शन करें, यानी कि आपको पता है कि द प्रोग्राम इज गोइंग टू गिव सम एरर, प्रोग्राम एरर देगा, और आप उसके लिए तैयार हैं हैंडल करने के लिए, वो यहां पर आपको देना पड़ता है। इसी आईओ एक्सेप्शन के लिए यहां पर ये इंपोर्टिंग की गई है। तो प्रोग्राम की शुरुआत की जाए, यहां पर हम एक फाइल नेम बनाते हैं, जैसे फाइल डॉट टेक्स्ट नाम रख देते हैं, तो एक स्ट्रिंग बनाएंगे, और स्ट्रिंग एफ नेम रख देते हैं फाइल का नाम, यहां इसी में आ जाएगा, यहां फाइल का नाम लिख देते हैं जैसे फाइल डॉट टेक्स्ट, तो फाइल का नाम आ जाएगा यहां पर। आप अब प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए जो यहां बनाया है प्रिंट राइटर, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो फाइल राइटर होगी उसमें हम ये फाइल नेम पास कर देंगे, फाइल राइटर में जो एफ नेम बनाया है उसको पास कर देंगे। किस तरीके से, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रोग्राम को डायरेक्शन यही लाइन देगी। तो प्रिंट राइटर के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने ओपी फाइल, और न्यू प्रिंट राइटर में ये न्यू फाइल राइटर के अंदर एफ नेम, थोड़ा सा टिपिकल है बट थोड़ा सा एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये एफ नेम जो है फाइल डॉट टीएक्सटी वो इसमें डाल दिया गया है, और फाइल राइटर क्योंकि यहां जब नॉर्मली सिस्टम डॉट इन इस तरीके से दिया करते थे सिस्टम डॉट आउट, यहां पर हम फाइल दे रहे हैं, तो जो लिखित होगी, जो लेखन होगा वो आपके इस फाइल नाम पे हो जाएगा, फाइल डॉट टेक्स्ट पे। आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रिंग लाइन दे देते हैं, जैसे आपको जो जहां से कैरेक्टर उठाने हैं वो आपको एक स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, तो एक स्ट्रिंग बना देते हैं लाइन नाम का, और उसके आगे लिख देते हैं आई एम लर्निंग जावा फाइल हैंडलिंग। तो इसके एक एक कैरेक्टर उठाएंगे अब, क्योंकि एक एक कैरेक्टर उठाने हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो फॉर का लूप लगा देते हैं, फॉर का लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, इंट आई इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और कहां तक चलेगा ये लाइन, क्योंकि ये लाइन है, लाइन के लेंथ तक जाएंगे, हमें पता है लाइन के लेंथ तक कैसे पहुंचना है, तो आई लेस देन लाइन डॉट लेंथ कर देते हैं इसको, लाइन डॉट लेंथ हो जाएगी ये, और उसके बाद यहां पर सेमीकॉलन दे दीजिए, प्लस प्लस आई कर दीजिए। उसके बाद आप यहां पर आएंगे, और अब यहां लेखन के लिए आप तैयार हैं फाइल में, ओपी फाइल डॉट राइट, देखिए अपने आप ये आ गया है इसमें राइट। अब राइट जो करेंगे इसमें राइटिंग जो होगी, पहले तो खाली ले लेते हैं कोई, ये सबसे छोटा लग रहा है, इसके अंदर जो राइटिंग होगी वो होगी लाइन, क्योंकि ये लाइन है, और डॉट करिए, और साथ में आप क्या करेंगे देखिएगा, आप कैरेट करेंगे, लाइन डॉट कैरेट
कैर, देखिएगा ये फंक्शन कैर एट ये जो है, और इंडेक्स क्या देंगे, जो इंडेक्स यहां आई चला रहा है वो अपने आप ले लिया इसने, कैर एट आई, और फिर उसके बाद हर बार न्यू लाइन कर देंगे। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी जब आप एक फाइल प्रोसेसिंग करते हैं तो इस तरीके से स्लैश एन स्लैश टी सबका ख्याल रखते हैं। और सब कुछ जब कर लें तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो आपको इस ओपी फाइल को क्लोज करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है अच्छे प्रोग्रामर के तौर पे कि आप इसे बंद करें खुद ही। तो यूं बंद कर लें आप इसे, तो हम तैयार हैं अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। उससे पहले हम यहां के पाथ पे जाएंगे जहां पर ये हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है। देखिए प्रोग्राम रखा हुआ है राइटिंग फाइल के अंदर, ये इसके कंटेंट हैं जो एक नॉर्मल नेटबीन्स प्रोजेक्ट के कंटेंट होते हैं। अब यहां पर कोई फाइल नहीं है, फाइल डॉट टीएक्सटी ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको रन कराता हूं, इसे मैं रन कराता हूं, ये बिल्ड सक्सेसफुल। फिर से उस बात पे जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। यहां पर एक फाइल बन के आ गई, जस्ट नाउ बनी है अभी, और इसको खोलते हैं। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो देखते हैं कि आई एम लर्निंग जावा फाइल, देखिए पूरा का पूरा आ गया यहां पर हैंडलिंग, जावा फाइल हैंडलिंग। इसी की बात कर रहे थे हम कि हम अगर कोई कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखना चाहते हैं, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिखने की का प्रोग्राम है का ये एक्चुअली ट्यूटोरियल है, तो इसलिए मैंने एक बाय एक लिखा उसको, एक अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर। तो स्लैश एन लगाने का तात्पर्य यही था। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम कैरेक्टर उठा के लिख सकते हैं टेक्स्ट फाइल में। देखिए टेक्स्ट फाइल अलग होती है, बाइनरी फाइल अलग होती है। तो ये टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।